चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सातवें चरण के मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया पूरा कर लिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को करीब 339 सीटें मिल चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसके बारे में फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि अभी मतगणना की प्रक्रिया चल ही रही है। लेकिन रुझान की माने तो बीजेपी को 340 सीटें मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, यानी कि एक बार फिर से मोदी सरकार की लहर साफ साफ पूरे देश में नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग काफी सदमे में हैं। जी आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश यादव निरहुआ ने भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था, वो भी अखिलेश यादव के खिलाफ, लेकिन वो वहां से बुरी तरह से हारते हुए नजर आ रहे हैं। जी आपको बता दें कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से करीब 1.5 लाख वोटों से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो निरहुआ सीधा सीधी अखिलेश यादव से पंगा लेकर बुरी तरह से फंस चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि जिस तरीके से निरहुआ ने चुनाव खत्म होने के बाद बयानबाजी किया था, उससे लग रहा था कि निरहुआ काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है। लेकिन अब फाइनली आजमगढ़ का रिजल्ट सामने आने से एक बार फिर से निरहुआ काफी ज्यादा सदमे में है, क्योंकि पूरी तरह से आजमगढ़ को निरहुआ हार चुके हैं और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का झंडा आजमगढ़ में पूरी तरह से लहरा चुका है। आपको बता दें कि इससे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि निरहुआ ने जिस तरीके से आजमगढ़ में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था, उससे सभी लोगों को यह लग रहा था कि आजमगढ़ में निरहुआ अखिलेश यादव का सफाया कर देंगे, क्योंकि निरहुआ ने चुनाव प्रचार में भोजपुरी फिल्म जगत के कई नामचीन चेहरे उतारे थे, जैसे कि आम्रपाली दुबे, पवन सिंह, अमरीश सिंह, समर सिंह जैसे बड़े अभिनेता और अभिनेत्री को अपने पब रैली में शामिल किया था और सभी लोगों ने निरहुआ के लिए वोट भी मांगा था। लेकिन फाइनली दिनेश यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव हार चुके हैं, यानी कि उनका संसद जाने का सपना इस बार तो जरूर टूट चुका है। अब देखना यही होगा कि निरहुआ हारने के बाद क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, यह तो एक दो दिन में ही पता चल पाएगी। लेकिन फाइनली निरहुआ के हारने से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा आहत नजर आ रही है।